सायरा जी, सरकार ने कोशिश की, बता तो रहे हैं बादल जी, लेकिन चूंकि विपक्ष इतना वहां पर मजबूत है, पश्चिम बंगाल में सीपीआई हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कि वो हिंसा हो गई। अब हर जगह थोड़ी ना पुलिस तैनात हो सकती है। देखिए, सबसे पहले मैं ये तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी कि तृणमूल कांग्रेस ने घबरा क्यों रही थी करने के लिए? पहले आप बताइए, इस बार खून का होली कौन खेला है? आप बता दीजिए, खून का होली कौन खेला है इस बार? रुक जाइए, होली जितनी बात मुझे समझ में आई, उन्होंने इतना जरूर कहा कि दरअसल एक सिक्के के दो पहलू हैं, भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी, और उन दोनों की वजह से बंगाल के हालात बिगड़े। देखिए, वो सिक्के के पहलू टीएमसी है भाजपा के, और गठबंधन करने के लिए लाला ही थे सीपीएम और कांग्रेस। ये कितना जो है हास्यास्पद है स्वयं समझ सकती हैं। सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, ये सब तृणमूल कांग्रेस पार्टी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन करने के लिए बेताब हैं कि नहीं? पटना में सारे लोग सटे हुए थे कि नहीं एक दूसरे से? पटना में आके सटना और बंगाल में आके एक दूसरे को गोली चलाना, ये आपका जो है दोगला चरित्र दोनों दलों का दिखाता है कि आप दोनों दल जो हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के हत्यारों के साथ किस तरह से गलबहियां करते हैं। आपके कार्यकर्ताओं की हत्याएं होती हैं और आपके नेता साथ बैठकर भोजन कर रहे होते हैं, तो ये आपकी दशा है। और इस दशा को लोग भली बात पहचान रहे हैं कि सीपीएम और कांग्रेस ने किस तरह से बंगाल के विधानसभा चुनाव में टीएमसी के साथ हाथ मिलाया, ये बंगाल की जनता भी भली बात जानती है। और आप आने वाले चुनाव में भी एक दूसरे के साथ पंचायत चुनाव में आपके हित टकरा रहे हैं, क्योंकि आपके लोकल जो कार्यकर्ता हैं उनके हित टकरा रहे हैं, इसलिए हत्याएं हो रही। उन हत्याओं के बाद भी अभी भी आपने प्रश्न पूछा अबू शर्मा जी से कि आप कृपा करके बताइए गठबंधन होगा कि नहीं होगा, उनके पास कोई उत्तर था क्या? राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और टीएमसी साथ आएगी कि नहीं आएगी, इस पर कांग्रेस के पास कोई उत्तर है? सीपीएम के पास कोई उत्तर है? इनके पास कोई उत्तर नहीं है। अपनी जिम्मेदारी पर आप बोलेंगे नहीं सर, और दूसरे के बीच में अगर आप बोलने लग जाएंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी ना। आपको बंगाल की चिंता है, जिस विपक्ष पर आप आरोप लगा रहे हैं उनसे मुझे जवाब लेने दीजिए। बादल गरज रहे हैं, बरस नहीं पा रहे आजकल। रुक जाइए एक सेकंड, मैं आ रही हूँ आपके पास, आप जवाब दे दीजिएगा। गरजने वाले बादल हैं, उनसे मैं सवाल, सबके बीच में ही गरजते हैं। अबू शर्मा जी, कंफ्यूजन तो है ना, जो मेरा पहला सवाल था, फिर घूम फिर के। हाँ, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, और मैं बता रहा हूँ, प्रेम शुक्ला जी, अमित शाह जी ने कह दिया आपकी बार 400 पार। इस देश में ना गरीबी है, ना महंगाई है, ना मणिपुर जल रहा है, ना चाइना घुसा है, ना कुछ है। आप लोग सब सही सलामत कर दिए पिछले 9 साल में, सिर्फ 2 काम बचे हुए हैं, एक सर्क का सीढ़ी बनाना है और आरब सागर का पानी को मीठा करना है। तो वो जो काल करे वो आज कर। आप विपक्ष का बात छोड़ दीजिए, विपक्ष क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, किससे मिल रहा है नहीं मिल रहा, आपको 400 पार हो रहा है ना, आपको क्या चिंता है, आपको क्या परेशानी है? जय रही बात पश्चिम बंगाल के लोग, चिंता है उसकी, चिंता करना हमारा अधिकार है। नहीं नहीं, वो चिंता कीजिए, विपक्ष का आप इस तरह हत्याएं मत करिए। नहीं नहीं नहीं, आप हिंसा मत कीजिए, इतने हिंसक मत हो जाइए। आरब सागर का पानी, आप कांग्रेसी पुराने हिंसा करने वाले लोग हैं। आप आरब सागर का पानी को मीठा, पहले भी आपने बहुत हत्याएं की है, सुनिए सुनिए, आप बहुत हत्यारे रहे हैं, पहले से हत्यारे हैं। टाइम में मैंने नहीं बोला प्रेम, 10,000 सिखों की हत्या आपने की थी, फिर हत्याएं कर रहे हैं आप, सिर्फ इतना ही करो, हत्याएं मत कीजिए। नहीं 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 नहीं, आप सुनिए, आप अच्छा कि आपने सिर्फ हत्याएं मत कीजिए, आपने हत्याएं मत कीजिए। हाँ, आप अरब सागर का पानी को मीठा कीजिए, पूरा भारत एकदम खुशहाल में है, खुश है, कोई तकलीफ नहीं है। पश्चिम बंगाल में आज लुटेरी कांग्रेस विदा है ना। हाँ, आपका सब कम हो गया, अब स्वर्ग का सीढ़ी बनाइए, सिर्फ जो कल करे वो आज कर। रामायण तो बहुत अच्छी समझते हैं आप लोग, हम तो पढ़े लिखे नहीं है उतना। सुनिए ना, पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट में जाके प्रेम शुक्ला जी झूठ का प्रचार मत कीजिए। अधीर रंजन चौधरी आज हाईकोर्ट में गया था और वहां पूरा बात रखा हाईकोर्ट में, सॉलिसिटर जनरल गठबंधन करेंगे कि नहीं, सवाल ये पूछ रहा हूं मैं।
सुनिए, आपने बोला ना अधीर रंजन चौधरी को कोई बुलाता ही नहीं है केंद्र में। अभी आपने बोला मल्लिकार्जुन खड़गे उनको पूछते ही नहीं है, बेचारे अधीर रंजन अकेले अधीर हुए पड़े हैं। साहब मिर्ची भी आपका, इमली भी आपका। नहीं, अधीर रंजन चौधरी आपके नेता है क्या? सरसों का तेल तो मेरे को। अधीर रंजन आपके नेता है? आपका सॉलिसिटर जनरल लोकसभा का विपक्ष का नेता है, क्यों नहीं नेता है? क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? आपका लालकृष्ण आडवाणी जब विपक्ष का नेता था, लालकृष्ण आडवाणी को नहीं मानते थे क्या? नेता है विपक्ष के नेता नहीं है साहब आप। कृष्ण आडवाणी जी को ये आपको हैसियत जनता ने नहीं दी है। आज उसको तो आपको विपक्ष का नेता बनने की हैसियत ही जनता ने नहीं दी है। अबू भाई पढ़ लिख के आइए। 2014-2019 से देश की जनता ने आपको विपक्ष का नेता बने रहने की हैसियत नहीं प्रदान की है। नहीं 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 दिया, नहीं दिया, कोई बात नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।